नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जिस पर आपको भारत में चलने वाली अलग अलग ट्रेनों की जानकारी दी जाती है। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी दिल्ली से मुंबई तक वर्तमान में चलने वाली सभी मुख्य ट्रेनों के बारे में। दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्रियों को इस एक ही वीडियो में सभी ट्रेनों की जानकारी मिल जाएगी, जिसमें आपको मुंबई जाने के लिए अपने टाइम टेबल और बजट के हिसाब से ट्रेन चुनने में पूरी मदद मिलेगी। वैसे तो मुंबई में कई रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन मुंबई के तीन और बड़े मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें पहला रेलवे स्टेशन है बांद्रा टर्मिनस, दूसरा है मुंबई सेंट्रल और तीसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। दिल्ली से चलने वाली अधिकतर ट्रेनें इन तीन ही रेलवे स्टेशन पर जाती हैं, कोई बांद्रा टर्मिनस जाती है, कोई मुंबई सेंट्रल और कोई छत्रपति शिवाजी। तो आप ट्रेनों की जानकारी को बिल्कुल ध्यान से देखें कि कौन सी ट्रेन कौन से स्टेशन तक जाती है, ताकि आप मुंबई जाने के लिए अपने लिए सही ट्रेन चुन सकें। तो चलिए ट्रेनों की जानकारी को शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ एक जरूरी जानकारी, जब भी आप मुंबई जाएं तो श्री सिद्धि विनायक मंदिर और मुंबा देवी मंदिर जाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इन दोनों ही मंदिरों की वहां पर बहुत ज्यादा मान्यता है। तो चलिए ट्रेनों की जानकारी को शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली ट्रेन का नाम है गोल्डन टेम्पल मेल। इस ट्रेन का नंबर है 12904। ये अमृतसर से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सुबह 4 बजे चलती है और अपनी 19 घंटे 35 मिनट की यात्रा को पूरा करने के बाद उसी दिन रात को 11:35 पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। ये ट्रेन सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसका स्लीपर का टिकट है 620 रुपए का, थर्ड एसी का टिकट है इसका 1630 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है इसका 2335 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है इसका 3955 रुपए का। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप इसका टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं या आसपास किसी एजेंट से बुक करवाते हैं तो इसमें रेलवे का सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें जनरल में बैठकर भी यात्रा कर सकते हैं। जनरल का टिकट है इसका लगभग 400 रुपए के आसपास, लेकिन ध्यान रखें जनरल के डब्बों में भीड़ अक्सर ज्यादा रहती है, उसमें सीट मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। फिर भी अगर आप जनरल के डब्बे में बैठकर यात्रा करना चाहते हैं तो आप जनरल में यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी ट्रेन के बारे में। हमारी दूसरी ट्रेन का नाम है पंजाब मेल। इस ट्रेन का नंबर है 12138। ये फिरोजपुर से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के तीन रेलवे स्टेशन को कवर करती है। पहला है शकुरपुर बस्ती का, जहां से ये सुबह 4:20 पर चलती है। उसके बाद दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन से ये सुबह 4:34 पर चलती है और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये सुबह 5:10 पर चलती है और अपनी 26:20 की यात्रा को पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह 7:35 पर शिवाजी महाराज टर्मिनस पर पहुंचा देती है। ये ट्रेन भी सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसका स्लीपर का टिकट है 665 रुपए का, थर्ड एसी का टिकट है 1735 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है इसका 2490 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है इसका 4230 रुपए का। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ। इस ट्रेन का नंबर है 12215। ये दिल्ली से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के दो रेलवे स्टेशन को कवर करती है। पहला है सराय रोहिल्ला का, जहां से ये सुबह 8:55 पर चलती है। उसके बाद दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से ये सुबह 9:12 पर चलती है और अपनी 22:40 की जर्नी को पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह 7:35 पर बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। ये सप्ताह के 4 दिन चलने वाली ट्रेन है, सोमवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को। ध्यान रखें ये फुली एसी ट्रेन होती है। इसमें आपको सिर्फ थर्ड एसी का डिब्बा मिलेगा, यानी कि इस पूरी ट्रेन में शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ थर्ड एसी के डिब्बे ही लगे होते हैं। इसका थर्ड एसी का किराया है 1105 रुपए। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 22452। ये चंडीगढ़ से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से सुबह 10:07 पर चलती है और अपने 21:28 की यात्रा को पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह 7:35 पर बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। ये ट्रेन सप्ताह के 2 दिन चलने वाली ट्रेन है, बुधवार को और रविवार को। इसका स्लीपर का टिकट है 605 रुपए का, थर्ड एसी का टिकट है 1595 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है 2280 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है इसका 3865 रुपए का। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। इस ट्रेन का नंबर है 12908। ये दिल्ली से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शाम को 4:30 चलती है
और लगभग 16 घंटे 45 मिनट की यात्रा को पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह 9:15 पर बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। ये ट्रेन सप्ताह के 2 दिन चलने वाली ट्रेन है, सोमवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन। इसका स्लीपर का टिकट है 615 रुपए का, थर्ड इकोनॉमी का टिकट है इसका 1510 रुपए का, थर्ड एसी का टिकट है इसका 1610 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है इसका 2305 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है इसका 3910 रुपए का। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ। ये ट्रेन उससे अलग है, मैंने अभी गरीब रथ आपको एक पहले भी बताई थी, लेकिन ये ट्रेन उससे अलग है। इस ट्रेन का नंबर है 12910। ये ट्रेन भी दिल्ली से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शाम को 4:30 चलती है और 16 घंटे 45 मिनट की जर्नी को पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह 9:15 बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। ये ट्रेन बुधवार को, शुक्रवार को और रविवार के दिन चलने वाली ट्रेन है। इसमें आप चेयर कार और थर्ड एसी दोनों टिकट ले सकते हैं। चेयर कार यानी कि एसी वाला डब्बा जिसमें आप आराम से सिर्फ बैठकर जा सकते हैं, इसमें आपको स्लीपर नहीं मिलता। तो चेयर कार का टिकट है 940 रुपए का और थर्ड एसी का टिकट है इसका 1090 रुपए का। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है पश्चिम एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 12926। ये अमृतसर से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के 2 रेलवे स्टेशन को कवर करती है। पहला है सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, जहाँ से ये शाम को 3:40 पर चलती है। उसके बाद ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम को 4:35 पर चलती है और अपने 22 घंटे 20 मिनट की यात्रा को पूरा करने के बाद अगले दिन दोपहर को 2:55 पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। ये ट्रेन भी सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसका स्लीपर का टिकट है 620 रुपए का, थर्ड एसी का टिकट है 1630 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है इसका 2335 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है इसका 3955 रुपए का। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है मुंबई राजधानी। इस ट्रेन का नंबर है 22222। ये दिल्ली से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शाम को 4:55 पर चलती है और अपनी 18 घंटे 20 मिनट की यात्रा को पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह 11:15 पर शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। ये ट्रेन सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन फुली एसी ट्रेन होती है, इसमें आपको नॉर्मल स्लीपर का डब्बा नहीं मिलने वाला। इसका थर्ड एसी का टिकट है 3135 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है 4295 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है 5360 रुपए का। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 19020। ये हरिद्वार से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शाम को 6:55 पर चलती है और अपनी 28 घंटे की यात्रा को पूरा करने के बाद अगले दिन रात को 10:55 पर बांद्रा टर्मिनस के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। ये ट्रेन भी सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसका स्लीपर का टिकट है 575 रुपए का, थर्ड एसी का टिकट है 1565 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है इसका 2260 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है इसका 3835 रुपए का। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी। इस ट्रेन का नंबर है 12952। ये ट्रेन भी दिल्ली से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम को 4:55 पर चलती है और अपनी 15 घंटे 40 मिनट की जर्नी को पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह 8:35 पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। ये ट्रेन भी फुली एसी ट्रेन होती है और सप्ताह में 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। थर्ड एसी का टिकट है इसका 3085 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है इसका 4245 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है इसका 5275 रुपए का। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है मुंबई CFMT एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 11058। ये अमृतसर से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के 5 रेलवे स्टेशन को कवर करती है। पहला है नरेला का, जहां से ये शाम को 7:11 पर चलती है। उसके बाद आदर्श नगर रेलवे स्टेशन से ये शाम को 7:26 पर चलती है। उसके बाद सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से ये शाम को 7:52 पर चलती है। उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये रात को 8:40 पर चलती है और उसके बाद हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये रात को 8:53 पर चलती है और अपनी 27 घंटे 25 मिनट की जर्नी को पूरा करने के बाद अगले दिन रात को 12:05 पर शिवाजी टर्मिनस पहुंचा देती है। इस ट्रेन में स्लीपर का टिकट है 635 रुपए का, थर्ड एसी का टिकट है 1690 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है इसका 2445 रुपए का। आज की हमारी लास्ट ट्रेन का नाम है अगस्त क्रांति तेजस राजधानी। इस ट्रेन का नंबर है 12954। ये ट्रेन भी दिल्ली से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शाम को 5:15 पर चलती है और अपनी 16:50 की जर्नी को पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह 10:05 पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है।
ये ट्रेन भी सप्ताह के सातों दिन चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन भी फुली एसी ट्रेन है, राजधानी ट्रेन है ये। इसमें थर्ड एसी का टिकट है 3,085 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट है 4,245 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है 5,275 रुपए का। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है दिल्ली से मुंबई तक जाने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।